dear students, in previous class we start new chapter, chapter number 12, celebrations in the neighborhood. आज पड़ोस में हम लोग किस तरह से उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं फेस्टिवल्स का, वो सारा हम लोगों ने देखा था, जिसमें रिलीजियस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल्स हमने देखे थे. रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल एंड लोकल फेस्टिवल्स, इसी थ्री कैटेगरी में फेस्टिवल्स को हमने डिवाइड किया था, जिसमें रिलीजियस फेस्टिवल्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. और रिलीजियस फेस्टिवल में दशहरा, दिवाली एंड गणेश चतुर्थी, इसका हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू रिलीजियस फेस्टिवल्स. कौन कौन से? फर्स्ट हम देखेंगे रक्षाबंधन, देन होली, ईद उल फितर एंड क्रिसमस. ये सारे क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार. अब देखिए रक्षाबंधन. रक्षाबंधन बोलते ही हमें क्या याद आता है? यस, रक्षाबंधन मीन्स ऐसा फेस्टिवल जो भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है. भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है राखी. और रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई बहनों का त्यौहार ही है. इट इज अ फेस्टिवल विच शो द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ लव बिटवीन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. इसमें भाई बहन का एक मजबूत प्यार दिखाई देता है. ब्रदर्स गिव ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट टू देयर सिस्टर्स. ब्रदर क्या करते हैं? अपने बहन को दुआएं, आशीर्वाद देते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं. आशीर्वाद, दुआएं देते हैं, गिफ्ट देते हैं. एंड द सिस्टर्स प्रे टू गॉड फॉर हर ब्रदर्स लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. और बहन क्या करती है? अपने भाई के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती है. यानी इस दिन क्या होता है? बहन अपने भाई के रिस पर क्या करती है? एक धागा बांधती है, जिसे हम कहते हैं राखी. और इस दिन भाई बहन को गिफ्ट और ब्लेसिंग्स देते हैं और बहन अपने भाई के लिए भगवान से प्रे करती है कि भाई की उम्र, यस, लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए वो भगवान से प्रेयर करती है. यानी ये जो रक्षाबंधन ये त्यौहार है, ये भाई बहन का त्यौहार है, जिसमें भाई बहन के द्वारा भाई के गले पर राखी बांधी जाती है और भाई बहन के लिए दुआ करता है और बहन भाई के लिए दुआ करती है. नेक्स्ट है होली. होली, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर. होली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. हिंदू के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ कलर भी कहते हैं. ऑन दिस फेस्टिवल इज इन, इस त्यौहार पर पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड गुलाल कलर्ड पाउडर एट ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर कलरफुल वाटर और कलर्ड पाउडर, जो जिसे हम कहते हैं गुलाल, एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं. दे फील हैप्पी, वो खुश रहते हैं उस दिन और एक दूसरे को कलर लगाकर बहुत खुश रहते हैं. दे सिंग एंड डांस विद जॉय, और गीत गाते हैं और डांस करते हैं. होली सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, अच्छाई की जीत के उपलक्ष में क्या किया जाता है? ये त्यौहार मनाया जाता है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, बुराई पर अच्छाई की जीत, इस उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है. यानी देखिए होली त्यौहार कलर, होली इज द कलर फेस्टिवल, इज इन कलर गुल, कलर पाउडर और कलर वाटर क्या किया जाता है? एक दूसरे के ऊपर थ्रो किया जाता है, डांस किया जाता है, गीत गाया जाता है, एक दूसरे को गुलाल लगाकर सब खुश रहते हैं. नेक्स्ट है ईद उल फितर. ईद उल फितर ये त्यौहार मुस्लिम त्यौहार है. ये रक्षाबंधन, होली, ये सारे त्यौहार हिंदू लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं. ईद उल फितर ये त्यौहार जो है, ये त्यौहार मुस्लिम लोगों द्वारा मनाया जाता है. ईद उल फितर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिम लोगों द्वारा मनाया जाता है.
इट कम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ये ईद उल फितर, ये त्यौहार जो उनका पवित्र महीना, मुस्लिम लोगों का पवित्र महीना रहता है, कौन सा? रमजान। रमजान जैसा पवित्र महीने के एंड में ये त्यौहार मनाया जाता है। इट कम्स एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान। पवित्र महीना रमजान के एंड में ये ईद उल फितर मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू मॉस्क्यूज, मस्जिद जाते हैं। एंड ऑफर प्रेयर, नमाज पढ़ते हैं। आफ्टर द प्रेयर्स, प्रेयर होने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, एम्बरेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक। और फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक एक दूसरे को कहते हैं। अ स्पेशल डिश कॉल सेवैया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस होली ओकेजन इन एवरी होम। सारे मुस्लिम बांधवों के घर पे इस दिन स्पेशल डिश बनाई जाती है, उसे कहते हैं सेवैया। और ये इस त्यौहार का स्पेशल डिश बोलकर सब एक दूसरे के घर जाते हैं और वो सेवैया खा कर आते हैं एक दूसरे को। यस, मिलने जाते हैं। पीपल गिव फूड एंड क्लॉथ्स टू द पुअर। लोगों, गरीब लोगों को खाना और कपड़े दान करते हैं। नेक्स्ट है, देखो ईद उल फितर के बाद आएगा ईद उल जुहा। ईद उल जुहा, ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा, ये दो त्योहार देखो इसमें मुस्लिम लोगों में मेन माने जाते हैं। जिसमें ईद उल फितर तो होली मंथ रमजान के एंड में आता है और ईद उल जुहा ये फेस्टिवल देखो इस दिन, इसको दूसरा नाम कहा जाता है बकरा ईद। बकरा ईद कहते हैं इसे। इस दिन गोट्स आर सेक्रीफाइस ऑन दिस ओकेजन। इस दिन बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। इस दिन यानी इसमें सेवैया बनाई जाती है और ईद उल जुहा में बकरे के सेक्रीफाइस किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस ये त्यौहार, ऐसा त्यौहार है। क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियन, क्रिश्चियन लोगों द्वारा मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 25th दिसंबर को ये क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन लोगों के, यस, भगवान कहते हैं उन्हें, जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ये क्रिसमस मनाया जाता है। द क्रिश्चियन प्रे एट मिड नाइट इन द चर्चेस। चर्च में जाकर मिड नाइट में क्रिश्चियन लोग प्रेयर करते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री इन देयर हाउसेस। घर में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक दूसरे को क्या किया जाता है, गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं। पीपल सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग्स टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पीपल सेंड्स गिफ्ट एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स को, गिफ्ट और ग्रीटिंग्स दिए जाते हैं। रिश्तेदारों को गिफ्ट एंड ग्रीटिंग्स दिए जाते हैं। चिल्ड्रंस बिलीव दैट सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर देम। यस, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको ये विश्वास है कि उनके लिए सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आएगा। यानी इस दिन बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि सांता क्लॉज आएगा और वो हमारा, यस, हमारे मन पसंद का क्या देगा, गिफ्ट देगा। इसलिए इस दिन बच्चों का एक खास अट्रैक्शन रहता है सांता क्लॉज का। हाँ, सांता क्लॉज आएंगे, हमें गिफ्ट देंगे। यस, तो इस तरह से बच्चे प्रिपेयर रहते हैं। यानी क्रिसमस ये त्यौहार 25 दिसंबर को हर साल पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और ये त्यौहार क्रिश्चियन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन घर को डेकोरेट किया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, घर में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है, एक दूसरे को गिफ्ट, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं। यानी इस तरह से ये क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। यानी आज हमने देखा रक्षाबंधन, होली, ईद उल फितर एंड
क्रिसमस। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये रीड करेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 71। जितना मैंने समझाया वो हम पहले रीड करेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 71। आज हम लोगों ने रक्षाबंधन, होली, ईद उल फितर और क्रिसमस, इन फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम रीड कर लेते हैं। रक्षाबंधन, राखी और रक्षाबंधन इज द फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। इट इज द फेस्टिवल विच शोज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ लव बिटवीन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ब्रदर्स गिव ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स टू देयर सिस्टर्स। द सिस्टर्स प्रे टू गॉड फॉर हर ब्रदर्स लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड गुलाल कलर्ड पाउडर एट ईच अदर। दे फील हैप्पी। दे सिंग एंड डांस विथ जॉय। होली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। नेक्स्ट है ईद उल फितर। ईद उल फितर इज द फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। इट कम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ऑन दिस डे पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। दे गो टू द मॉस्क्यूज एंड ऑफर प्रेयर्स। आफ्टर द प्रेयर्स दे एम्बरेंस ईच अदर एंड से ईद मुबारक। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस होली ओकेजन इन एवरी होम। पीपल गिव फूड एंड क्लोथ्स टू द पुअर। नेक्स्ट है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा अनादर मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स इज ऑल्सो नोन एज बकरा ईद। गोड्स आर सेक्रीफाइज्ड ऑन दिस ओकेजन। क्रिसमस। क्रिसमस इज फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th डिसम्बर एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीजस क्रिस्ट। द क्रिश्चियंस प्रे एट मिड नाइट इन द चर्चेस। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री इन देयर हाउसेस। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। पीपल सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग्स टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। चिल्ड्रन बिलीव दैट सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर देम। यहाँ तक आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पीरियड में हम जो बाकी रिलीजियस फेस्टिवल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।